Classes channel. This is our first video on the very first day of this year. Today we are celebrating New Year virtually. You will get to see the talents of Girl Classes students. Let's see. Hello everyone, myself Vidyanshi and a very happy New Year to all of you. Hope all the dreams of everyone comes true. We will have a happy New Year view. As we know, the last year was not that good. We feel bad in the ongoing mood. Don't remember the bad times, only learn from them to not happen one more time. We observe what brought us happiness and we think about those who we love a lot. Recollecting all the happy memories and thinking how they enhanced our lives. Glancing back on the months gone behind, as the new year starts, the old year ends, we throw back upon who really counts as the fresh and shining new year arrives. Thank you, have a nice day. मैं सिमरन है, मैं 10वीं की छात्रा हूं। मेरी कविता का सिरलेख है जे पंजाबी ना रही। जे पंजाबी ना रही तो पंजाब भी नहीं रहना। खिड़िया होया फूल ए गुलाब भी नहीं रहना। ना रहनिया बहारा ते ना गुलजारा रहनिया। मस्ती भरिया मूड ए खुमार भी नहीं रहना। जे पंजाबी ना रही तो पंजाब भी नहीं रहना। कोड़िया किवे गांदी सी दिवाज भी नहीं रहना। सुहाग किसनु कहंदे ऐ तां याद भी नहीं रहना। नोक जोक वाला कोई सवाद भी नहीं रहना। जे पंजाबी ना रही तां पंजाब भी नहीं रहना। गिद्दे ते पंगड़े दा अंदाज भी नहीं रहना। टोल ते नगाड़े जिहा साज भी नहीं रहना। ना रहनिया फेर सुभल फुलकारिया। सगी फुल वाला किते ताज भी नहीं रहना। जे पंजाबी ना रही तां पंजाब भी नहीं रहना। जे पैंती ना रही तां कोई गीत भी नहीं रहना। दिलों जिहा उठे और संगीत भी नहीं रहना। परिया चुवेड़ा फिर सुनना जिहा जापड़ा। ऐदे जिहा पैरा जिस कोई खाप भी नहीं रहना। जे पंजाबी ना रही तो पंजाब भी नहीं रहना। जे पंजाबी ना रही तो पंजाब भी नहीं रहना। थैंक यू। Hello everyone, happy new year to all of you. My name is Ritisha. I am student of Girl Ki Classes. So today I have an amazing activity with waste material to decorate your home with waste material items. So my first waste material item is a beautiful candy stand. ये जो पूरा है वो पूरा कार्डबोर्ड से वेस्ट कार्डबोर्ड से बना है। तो आप इसके अंदर आप अपनी कैंडी सॉफी जो आपको फिलअप करनी है वो आप करके इसको रख सकते हैं। सो दैट्स माय फर्स्ट वेस्ट मटेरियल। माय सेकंड वेस्ट मटेरियल आइटम इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राई फ्रूट बास्केट। आप इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह कैंडीज वगैरह भी स्टोर कर सकते हो। ये जो पूरी है वो डिस्पोजेबल ग्लास से बनी है। This material item is a beautiful pen stand. ये जो है आप पेंसिल जब आप शार्प करते हो तो उसका जो वेस्ट मटेरियल ये उससे और ये स्ट्रॉज विद न्यूज़पेपर वास भी वेस्ट मटेरियल था। तो यू आप इसको अपनी स्टडी टेबल में स्टडी रूम में रख सकते हो। अ फोर्थ वेस्ट मटेरियल आइटम इज अ हैंगिंग जो विद पेपर से जो बने हैं। इसको आप अपनी वॉल पे या डोर पे हैंग कर सकते हो। तो लास्ट वन वेस्ट मटेरियल एक्टिविटी इज अ लाइट। ये जो है कि डिस्पोजेबल ग्लास से बनी है। आप इससे अपना रूम वॉल डेकोरेट कर सकते हो। तो थैंक यू सो everyone, happy new year to all of you. I'm Yashika and I'm studying in 9th class. I'm student of Girl Classes and I have an activity today. I made some amazing things from waste material. The first is puzzle. I made this heart from the waste cardboard and apply some glitter sheet on it. Second, I have made these glitter stars from the waste glitter sheet which are left from that. And the second is I made the lamps. Okay.
very happy new year to all of you. Well, this is what I am supposed to say because it's 1st of January. दुनिया की संस्कृति को अपनाना और सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं। 1 अप्रैल को नए साल की शुरुआत करना सिर्फ हिंदुत्व की ही नहीं, हमारे देश की भी परंपरा है। हम जितना वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, उतना ही अपने कल्चर को ब्लर करते जा रहे हैं, और शायद इसी वजह से हम 31st को तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं पर 1 अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर तक बोलना भूल जाते हैं। इनफैक्ट सैडली सो मेनी चिल्ड्रन डोंट इवन नो दैट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर न्यू ईयर बिगिंस ऑन 1st अप्रैल। It's really astounding that we are accepting other countries' culturality too. But today Indians are following Gregorian calendar more than the Panchang calendar. ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने दुनिया के सबसे प्राचीन देश को, प्राचीन संस्कृति को भूलकर एक नई संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। So let's pledge today that we will spread our aesthetic culture worldwide and let the world know about our glorious heritage. So, but for that, we will have to prioritize it first. So, let's promise ourselves that we will celebrate New Year on 1st April 2. और इस दिन एक बार Happy New Year तो जरूर बोलेगा. Thank you. Have a nice day. Hello everyone. First of all, Happy New Year everyone. आप सभी को तो पता ही है कि आज New Year है और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि अपनी घर की walls कैसे decorate करें. तो फिर मैंने भी अपनी एक छोटी सी वॉल डेकोरेट की है, वो भी बहुत ही कम शीट्स में और सिर्फ 2 कलर की शीट में। चलिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो आप ऐसे छोटे छोटे से फैंस कैसे बनाओगे, आपको पहले एक शीट लेनी है A4 साइज की, उसको बस आगे पीछे से फोल्ड करना है और उसे बीच में से टर्न कर दो, आपके ऐसे छोटे से फैंस बन जाएंगे जो कि आप अपनी वॉल पे भी लगा सकते हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं वॉल पे। और आप इन छोटे छोटे से फैंस को जॉइन करके, 4 पार्ट्स में जॉइन करके ऐसे एक सर्कल्स भी बना सकते हो अलग अलग कलर के, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं वॉल के ऊपर। और देखिए ये हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर ये बाहर भी बहुत कॉस्टली मिलता है, लेकिन आप ये घर पे कैसे बनाओगे सिर्फ 2 शीट्स में। पहले आपको बस एक ट्रायंगल्स कट करने हैं, उसके बाद उसे पीछे से फोल्ड करके एक रॉक पे अटैच कर देना है। उसके बाद आप न्यू ईयर के बीच में एक लटकन कोई सी भी लगा सकते हो ताकि वो न्यू और ईयर अलग अलग दिखे। और ये 2022 में आपको क्या करना है, बस 2022 की शेप्स कट करके उन्हें बस बीच में से सुई से सीलना है, फिर ये आपको ऐसे करके अटैच कर देना है टेप से। और ये स्टार्स में क्या करना है, आपको पहले छोटे छोटे से स्टार्स आपको बहुत सारे कट कर लेने हैं, उसके बाद उन्हें एक रस्सी पर चिपका देना है जिससे कि आपकी ये स्टार्स की लड़ी भी बन जाएगी। और देखिए ये लालटेन बहुत अच्छी लगती है जब अगर आप इन्हें वॉल पर लगाते हो। आप ये कैसे बनाओगे, पहले आपको एक A4 साइज की शीट से उसे फोल्ड करना है और उसे बीच में से जैसे हम कट नहीं करते बहुत सारे पेपर्स को, subscribe and comment in the comment section. This channel is about different kinds of knowledgeable videos and ideas and activities. Thank you. Keep learning, keep enjoying, keep supporting, and keep watching our channel.